अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पक्ष 2024 आर्थिक वर्षर प्रथम क्वार्टर फलाफल घोषणा। राजस्व आय लगातार वृद्धि। विद्युत जोगाण एबीटीडीए 53% वृद्धि सह 1938 कोटी टंका को वृद्धि पाई। विद्युत उत्पादन क्षमता वर्षक वर्ष 43% हार में वृद्धि सह 8316 मेगावाट्रे पहुंची, जो सोलार विंड हाइब्रिड्र 1750 मेगावाट अंतर्भुक्त। से हीपरि विद्युत बिक्री 70% वृद्धि पाई 6023 मिलियन यूनिट्रे पहुंची। सोलार पोर्टफोलियोर कैपासीटी यूटिलाइजेशन फैक्टर 26.9% थिबा बेले विंड्र 38.7% एवं सोलार विंड हाइब्रिड पोर्टफोलियोर 47.2% रही। विद्युत जोगाण आय राजस्व 55% वृद्धि सह 2068 कोटी टंकारे पहुंची। एबीटीडीए 2 मार्जिन 92.5% हेबा सह 70 बेसिस पॉइंट वृद्धि पाई। क्याश प्रॉफिट 55% वृद्धि पाइबा सह 1051 कोटी टंकारे पहुंची। रन रेट एबीटीडीए 7645 कोटी पहुंची। रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में एशियार 10 कंपनी मध्य प्रथम स्थान में रही अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 2023 आर्थिक वर्षर प्रथम क्वार्टर में परिचालना क्षमता 5800 मेगावाट थिबा बेले 2024 आर्थिक वर्षर प्रथम क्वार्टर में एथिरे 43% वृद्धि सह 8316 मेगावाट्रे पहुंची। सोलार एनर्जी में 2023 आर्थिक वर्ष में 4763 मेगावाट रही, पर एथिरे 4% वृद्धि सह 4975 मेगावाट्रे पहुंची। विंड एनर्जी में 2023 आर्थिक वर्षर प्रथम क्वार्टर में 647 मेगावाट थिबा बेले 86% वृद्धि पाई 1201 मेगावाट्रे पहुंची। सेहिपरि सोलार विंड हाइब्रिड एनर्जी जहां 2023 आर्थिक वर्षर प्रथम क्वार्टर में 390 मेगावाट थिला, ताहा 2024 आर्थिक वर्षर प्रथम क्वार्टर में 2140 मेगावाट पहुंची। सेपरी विद्युत बिक्री 2023 आर्थिक वर्षर प्रथम क्वार्टर में 3550 मिलियन यूनिट थिबा बेले 70% वृद्धि पाई 6023 मिलियन यूनिट्रे पहुंची। सेपरी सोलार एनर्जी 2751 मिलियन यूनिट थिबा बेले 2024 आर्थिक वर्ष में 2925 मिलियन यूनिट को वृद्धि पाई। सेपरी विंड एनर्जी में 34% एवं सोलार विंड हाइब्रिड एनर्जी में 1546% वृद्धि पाई। राजस्व आखिदृशिया अभिवृद्धि एबीटीडीए एवं कैश प्रॉफिट वृद्धि कारण गत वर्ष 2516 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोग हेबो। निकटरे एजीईएल तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन कठारु टैरिफ दर यूनिट पिछा 7.01 टंका हिसाब रे 47 मेगावाट क्षमता विशिष्ट कामुठी सोलार प्रकल्परु विद्युत किनिबाकु चुक्ति होइछि। एजीईएल को श्रेष्ठ सोलार पीवी प्लांट एवं श्रेष्ठ विंड जनरेटर पुरस्कार मिलिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।